दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एक टीवी लेने का मन बना रहे हैं या आपका कोई दोस्त या रिलेटिव एक न्यू टीवी लेना चाहता है तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन तीन तरह के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। नंबर एक स्टैंडर्ड टीवी, नंबर सेकंड स्मार्ट टीवी और नंबर थर्ड एंड्रॉयड टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इन तीनों तरह की टीवीज़ में क्या डिफरेंस होता है और अगर हमें मार्केट में से कोई एक टीवी लेना पड़े तो इन तीनों टीवीज़ में से किस टीवी को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। आप में से कुछ दोस्तों को ये लगता होगा कि स्मार्ट टीवी और एंड्रॉयड टीवी एक ही बात होती है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। दोनों टीवी में कुछ डिफरेंसेज होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ आज की वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मेरा ओपिनियन होगा कि अगर तीनों टीवी में से कोई एक टीवी चूज करनी पड़े तो मैं कौन सी टीवी को चूज करूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, कर लीजिए आपके चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो टॉपिक को। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड टीवीज की। स्टैंडर्ड टीवीज की बात आती है तो दोस्तों, स्टैंडर्ड टीवी बेसिक टीवी का ही काम करती है, जिसे आप सेटअप बॉक्स से कनेक्ट करके नॉर्मल टीवी के चैनल्स को देख सकते हैं। इसके अलावा आप पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड लगाकर उसके यूएसबी पोर्ट में आप वीडियोस को, ऑडियोस को या फोटोज को उस टीवी में प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें एचडीएमआई के पोर्ट्स भी मिलते हैं आपको टीवी में, जिससे आप प्लेस्टेशन या कंप्यूटर जैसी एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करके उस टीवी में यूज कर सकते हैं। ये एलईडी टीवी आपको तीन अलग अलग ऑप्शंस में मिलने वाली है। नंबर एक एचडी रेडी रेजोल्यूशन के साथ, नंबर दो फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ और नंबर थर्ड 4K डिस्प्ले पैनल के साथ। आज की डेट में अगर आप 32 इंच की स्टैंडर्ड एलईडी टीवी लेना चाहते हैं तो आपको 6,000 से 7,000 रुपये में मिल जाती है, जिसमें आपको कम से कम एक साल की वारंटी तो मिलती ही है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टीवीज़ के बारे में, जो कि है स्मार्ट टीवीज़। स्मार्ट टीवीज़ की बात करें तो दोस्तों, आज की डेट में स्मार्ट टीवीज़ का बहुत ही ज़्यादा चलन हो गया है, क्योंकि एक नॉर्मल स्मार्ट टीवी अगर आप लेना चाहते हैं तो 8,000 से मिलना स्टार्ट हो जाती है। एक स्मार्ट एलईडी टीवी में स्टैंडर्ड टीवी जैसे बेसिक फीचर्स तो होते ही हैं, मीन्स आप उसमें सेटअप बॉक्स या एक्सटर्नल यूएसबी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल ऐप्स भी मिलती हैं, जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम और भी बहुत सी ऐप्स आपको मिल जाती हैं इसके अंदर प्री इंस्टॉल, जिसे आप अपने इंटरनेट से लाइव स्ट्रीमिंग करके देख सकते हैं। चाहे वो आपका इंटरनेट हो ब्रॉडबैंड घर में लगा हुआ, चाहे वो आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट से चलाया गया हो। इसके अलावा मोस्टली स्मार्ट टीवीज में कास्ट स्क्रीन का भी फीचर होता है, जिससे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को डायरेक्ट टीवी में देख सकते हैं और मोबाइल में यूज होने वाले कंटेंट को आप टीवी में डायरेक्ट देख सकते हैं। आजकल MIVU, iFalcon, Codec, Thomson, Marquee जैसी टीवीज आप 10,000 से 20,000 रुपए के बीच में काफी अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। स्मार्ट टीवी लेते टाइम दोस्तों, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि कम से कम आपके घर में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, तभी स्मार्ट टीवी के साथ जाना, अदरवाइज स्मार्ट टीवी लेने का कोई फायदा नहीं बनेगा आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टीवीज की, जो कि आती है एंड्रॉयड टीवी। दोस्तों, एंड्रॉयड टीवी स्मार्ट टीवी की तरह ही होती है, बट वो स्मार्ट टीवी से ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ आपको मिल जाती है। इसमें आपको यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम जैसी वीडियोस की ऐप्स तो मिलेंगी ही, इसके अलावा इसके अंदर आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर भी मिलता है, जिसमें आप एक्स्ट्रा ऐप्स को या गेम्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उन ऐप्स या गेम्स को प्ले कर सकते हैं अपनी स्मार्ट टीवी के अंदर। इसके अलावा उस टीवी में आपको गूगल असिस्टेंट का फीचर भी मिलता है, जिससे आप अपने टीवी को वॉइस कमांड दे सकते हैं, जैसे चैनल को चेंज करना, वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करना। इसके अलावा वेदर इंफॉर्मेशन और भी जनरल नॉलेज की बहुत सी बातें आप डायरेक्ट इंटरनेट पे सर्व कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट के थ्रू। आजकल की मोस्टली एंड्रॉयड टीवीज के रिमोट में ही वॉइस कमांड का फीचर होता है, लेकिन अगर किसी एंड्रॉयड टीवी के रिमोट में आपको वॉइस कमांड का बटन नहीं मिलता तो आपको इसके लिए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड रिमोट नाम की ऐप को इंस्टॉल करके भी वॉइस कमांड अपनी एंड्रॉयड टीवी को दे सकते हैं। एंड्रॉयड टीवी होने का फायदा ये भी होता है दोस्तों कि इसमें आपको सभी अपडेट्स बहुत ही जल्दी मिलते हैं और टीवी के फीचर्स भी लंबे समय तक काम करते रहते हैं, क्योंकि उसमें अपडेट्स मिलते रहते हैं। एंड्रॉयड टीवी में गूगल क्रोमाकास्ट का भी फीचर होता है, जिससे आप मोबाइल की स्क्रीन को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी प्ले कर सकते हैं, मीन्स मोबाइल के टोटल कंटेंट को आप टीवी में प्ले कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं स्मार्ट टीवी और एंड्रॉयड टीवी में फर्क क्या होता है। तो स्मार्ट टीवी और एंड्रॉयड टीवी में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि स्मार्ट टीवी में आप प्री इंस्टॉल ऐप्स को ही यूज कर सकते हैं। अगर आप उसमें एक्स्ट्रा ऐप चलाना चाहते हैं तो मोस्टली ऐप्स जो भी आप इसमें इंस्टॉल करोगे तो वो अनसपोर्टेड ही मिलने वाले हैं आपको। और स्मार्ट टीवी में आपको गूगल प्ले स्टोर या गूगल असिस्टेंट जैसे फीचर नहीं मिलते हैं, जबकि एंड्रॉयड टीवी में आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसमें आपको गूगल प्ले स्टोर और गूगल असिस्टेंट का फीचर मिलता है। गूगल असिस्टेंट फीचर होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको रिमोट में टाइप करने में जो प्रॉब्लम आती है, गूगल असिस्टेंट से सिर्फ बोलने पर ही वो टीवी में टाइप हो जाएगा और उस फीचर को एंड्रॉयड टीवी में सर्च भी कर सकते हैं हम। इसके अलावा एंड्रॉयड टीवी में अपडेट्स भी बहुत जल्दी मिलती हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऐप्स को भी एंड्रॉयड टीवी में हम चला सकते हैं,
क्योंकि वो टीवी फुली एंड्रॉइड होती है। इसके अलावा आप एंड्रॉइड टीवी के अंदर वेब ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। आज की डेट में MI, iFalcon, VU, Motorola जैसे ब्रांड हमें काफी अच्छी एंड्रॉइड टीवी प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी प्राइस रेंज भी 15,000 से नीचे स्टार्ट हो जाती है। अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन ये कहता है कि अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप स्मार्ट टीवी की जगह पर एंड्रॉइड टीवी के साथ जाइए। एंड्रॉइड टीवी को प्रेफरेंस देने का कारण ये है कि उसके अंदर आपको एंड्रॉइड प्ले स्टोर भी मिल जाता है, इसके अलावा आपको गूगल असिस्टेंट का फीचर भी मिल जाता है, इसके अलावा आपको इसके अंदर अपडेट्स भी बहुत जल्दी मिलेंगे कंपेयर टू स्मार्ट टीवी से। पर दोस्तों, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप स्टैंडर्ड टीवी ले सकते हैं, जिससे आप टीवी के बेसिक फीचर्स को तो यूज कर ही पाएंगे। दोस्तों, आपसे है एक क्वेश्चन कि अगर आपको स्टैंडर्ड टीवी, स्मार्ट टीवी और एंड्रॉइड टीवी में से कोई एक टीवी लेना पड़े तो वो कौन सा टीवी लेंगे, और अगर आपकी नज़र में कोई स्मार्ट टीवी या एंड्रॉइड टीवी है तो उसका मॉडल नंबर भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता लग सके उनके फीडबैक के बारे में। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।